नमस्कार, मेरा नाम पूजा है, पूजा मिश्रा, और आप मदर वर्ल्ड पे विजिट किए हैं। अगर भी ये वीडियो आप देखते हैं तो एक बार इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को करिएगा। ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि हम टैलेंट को बहुत देर से और शायद सही समय पर नहीं परखते, जिसकी वजह से बहुत देर हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप अगर इस वीडियो की किसी भी एक लाइन से सहमत होते हैं तो इसे अपनी सभी ग्रुप में, अपनी सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे पता है इस समय बहुत आक्रोश है, हम सब में बहुत गुस्सा है, क्योंकि हम शायद हर जगह किसी न किसी तरीके से इस ग्रुप के इस मतभेद से पूरी तरीके से टेंस हो जाते हैं, जो बहुत बहुत बड़ी मानसिक चिंता हमारी बन जाती है। अगर आपको भी लगता है कि हम चुप रहते हैं इसी वजह से हम अच्छे बने रहते हैं और बुरे को हम कहीं ना कहीं बहुत बढ़ावा देते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी अपने आप को, अपनी जर्नी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें मुझे हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का एक मकसद है कि एक वो शेर जिसने बहुत कुछ दिया, पर हमें उस चीज़ को कम नहीं करना है, क्योंकि हम अगर अपने अपने स्तर पर अगर मेहनत करें और हम अगर उस आंधी को सिर्फ अपनी अपनी हिम्मत के बल पर, अपनी हिमाकत के साथ अगर आगे ले जाए, तो शायद हम कभी देरी नहीं कर सकते। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ देखने। क्या बात है राधा, तुमने दूध की बॉटल वापस क्यों ला के रख दी? ठीक है, आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करती हूँ रिया से। रिया, तुमने दूध क्यों नहीं पिया? देखो रिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस बात की चिंता है, हम सभी इस समय बहुत टेंस हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि हम खाना पीना छोड़ दें? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं इस समय, और इस बात में क्या बड़ी बात हो गई कि तुम अपने आप को घर में बंद कर रख रही हो? ये सबके साथ हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना, वी हैव टू से थैंक यू टू देम जो हमें नफ़रत के काबिल तो समझ रहे हैं, और नफ़रत के काबिल वही समझते हैं जो हमसे लड़ नहीं पाते। तुम्हें पता है हमने टॉमी को क्यों रखा है? हमारे देश में ना कुत्ते पालने का रिवाज नहीं था, पर हम भारतीय हैं, दूसरों से दो कदम आगे रहते हैं। शेर को हम रख नहीं सकते थे, ना वो हमें रहने देता और ना हम उसे। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर कोई काम तुम कर रहे हो तो पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से करो। अपने आप को समझदार समझना रिया कोई गलत बात नहीं है, पर दूसरे को बेवकूफ़ समझना ये गलत है, और तुम यही काम कर रही हो। अपने आप को अंदर बंद करके तुम्हें क्या लगता है इससे सब तुम्हारे बारे में बातें करेंगे? ऐसा नहीं होता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं रिया, एक वो जो टैलेंटेड होते हैं और एक वो जो टैलेंट को यूज़ करते हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। तुम्हें भी सोचना पड़ेगा कि तुम किस में बहुत अच्छी हो। सारी चीज़ें इस समय ख़त्म करो, दूध पियो और पूरी तरीके से देखो। मुझे पता है रिया, पर तुम्हें भी पता होना चाहिए कि लोग तब तक भौंकना पसंद करते हैं जब तक मालिक आ नहीं जाता। मालिक के आने के बाद सरदार खड़ा होता है। हम भी वही कर रहे हैं, और इस सब नौटंकी से बाहर वालों को इम्प्रेस करो। मुझे ये सब चीज़ें पता हैं। अगर ये टैलेंट है तुम्हारा तो हर जगह दिखाओ, इसे घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। राधा, दूध दो। और एक और बात, जो तुमने ये कहा ना कि तुम मर जाओगी, मरना इतना आसान होता तो मैंने तुम्हारे पापा से कभी शादी ना की होती। समझ रही हो ना, लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सक्सेस, पर तुम क्यों समझोगी? तुम्हें तो सब चीज़ें सौगात में मिल गई। थोड़ा मेहनत किया करो, और अगर वो मेहनत ना कर पाओ तो उसका ढोंग कर लो, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा।
मुझे तो पता नहीं तुमने सीखा क्या है अब तक। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जब तक लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं तब तक हम लोगों के बीच में हैं। जिस दिन लोगों ने बातें करना छोड़ दिया तब हम कहीं दूर होंगे, और उतने दूर जहाँ से वापस आना नामुमकिन होता है। इसे सबके सामने ले जाओ, सबको दिखाओ, सबको बताओ कि तुम में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। वैसे भी आंसुओं से तो भगवान भी रीच आते हैं, फिर ये भक्त तो दो दिन के लिए हैं। प्रूफ कर दो कि तुम्हारे पापा से ज़्यादा, तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा तुम में पोटेंशियल है। ये रोना धोना, ये आंसू बाहर दिखा जहाँ सब देखेंगे। दूध फिनिश करो और एक नए जन्म की शुरुआत करो। यहाँ पर रोज़ खबरें पढ़ती हैं और रोज़ रोज़ खबरें बनाते हैं, और जब कभी खबर यूं ही आ जाए तो खबरदार हो करके उसकी कब्र तक पहुँच जाना चाहिए। Go ahead, start your preparation.